तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। वहीं अगर उनके फिल्मों के बारे में बात की जाए तो 2022 में अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई या बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। हालांकि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को एक अच्छे स्क्रिप्ट और एक अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है, ये हर कोई जानता ही है। वहीं अक्षय कुमार इस वक्त अपनी मच अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर सुर्खियों में है। फिलहाल तो अभी हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और ऑडियंस ने ये चेतावनी भी दी थी कि उन्हें आदि पुरुष के जैसे एक और फिल्म नहीं देखनी है। फिलहाल तो ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ओ माई गॉड 2 के टीजर को। हालांकि जहाँ एक तरफ इसकी तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ ऑडियंस इसे नापसंद भी कर रही है। एक्टर अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म ओ माई गॉड 2 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। टीजर रिलीज के बाद कई लोगों ने OMC2 के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत कराने का आरोप लगाया है। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने OMC2 को फिलहाल सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 को वापस रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। वहीं फिल्म की कहानी भी लीक हो गई है। खबरों की माने तो ओ माई गॉड 2 की कहानी होमोफोबिया पर बेस्ड है। ये कहानी इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन जरूरी पर बेस्ड होगी। वहीं हम आपको बताते चले तो एक रेडिट यूजर ने ओ माई गॉड 2 की कहानी का खुलासा किया है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि फिल्म की कहानी एक गे लड़के के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसे कॉलेज में स्टूडेंट्स काफ़ी बुली करते हैं। इन सबसे परेशान होकर वह लड़का आत्महत्या कर लेता है। पोस्ट में बताया गया है कि इस घटना से आहत होकर कॉलेज के प्रोफेसर पंकज त्रिपाठी सेक्स एजुकेशन अनिवार्य कराने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसका विरोध धार्मिक लोग करते हैं और इसे ईश्वर की रचना के खिलाफ मानते हैं। इसके बाद भगवान शिव बने अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी की मदद करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ओ माई गॉड 2 की कहानी कितनी सच है, यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म को विपुल शाह, राजेश शाह, अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्देशन अमित रॉय ने किया है। हालांकि अगर फिल्म की स्टोरी ये होने वाली है तो कुछ गलत भी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है और ऑडियंस को तो इसका सपोर्ट करना चाहिए। वहीं अगर फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी नजर आने वाले हैं। यामी गौतम एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और वो अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतते हुए आई हैं। पंकज त्रिपाठी भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर है जो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत ही फेमस हो गए हैं। हालांकि उनकी बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्हें ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड 2 की स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।